सहायक निदेशक पीस डॉक्टर डी के यादव, हमारे साथी डॉक्टर विश्वनाथन, डॉक्टर गोपाल कृष्णन, डॉक्टर पी के सिंह, डॉक्टर आकृति और उन लोगों के सामने बैठे हुए जितने विभाग अध्यक्ष हैं और विशेष रूप से बीज उत्पादन इकाई के इंचार्ज डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही जीतोड़ मेहनत की है और जो हमारे संस्थान का बीज उत्पादन 2-3 करोड़ रुपए का होता था उसको एक नए मानक पर ले जाने का काम किया है। करीब करीब इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि 18 करोड़ तक हम लोग पहुंचेंगे और उसमें इनकी मेहनत बहुत ही इनके साथ ही जितने हैं सब लोग और विशेष रूप से इनकी मेहनत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और डॉक्टर ब्रह्मानंद, सभी विभागाध्यक्ष, सभी किसान भाई, और इस कार्यक्रम में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का है जिसमें हम एक गेहूं की जो हमारी नई किस्म है HD3386 उसका MOU करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। सुधीर जी ने बहुत सारी बातें बताई और मैं चाहता हूं कि सारे किसान इनकी तरफ से स्कॉर्पियो एंड लेकर के बैठे, हम लोग तो नहीं बैठ पाएंगे उस पर जो है लेकिन हमारे किसान कम से कम बैठे तो हम लोगों को इसकी बहुत खुशी होगी। रही जहाँ तक बात, जब हम कोई भी समझौता करते हैं, MOU करते हैं, तो उसमें अक्सर ये बात कही जाती है कि जो हम चार्ज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा है, इतना पैसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको हम उसको समझाने की प्रयास करें तो आप पाएंगे कि जो चार्ज हम अभी कर रहे हैं आपको ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नहीं के बराबर है, नहीं चार्ज करने के बराबर है। अब जैसे मान के चलिए कि गेहूं में 1 किलो बीज अगर हम देते हैं तो हमारा जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है वो सरकारी तौर पे 40 का माना जाता है, 1:40। तो 1 किलो ब्रीडर सीड से 40 किलो आपका फाउंडेशन बनेगा और उससे 40 गुना जो है सर्टिफाइड बनेगा, तो 40 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 1600 किलोग्राम बना, ठीक है। अब इसको अगर आप जो है जो कंपनी बेचती है बीज और इसके बाद जो पैसा कंपनी के पास आता है जिसको हम नेट सेल वैल्यू बोलते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का, डीलर का, रिटेलर का सब खर्चा काट करके उनका जो पैसा आता है करीब 30 रुपये किलो के आसपास आता है और उसको 1600 रुपये से 1600 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करें तो 48,000 रुपये हुआ। 48,000 रुपये पे कोई भी बीज का मॉडल, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में छोटे किसान करें, बड़े किसान करें, छोटी कंपनी करे, बड़ी कंपनी करे, एक मूलभूत सिद्धांत है कि अगर OP वैरायटीज हैं जैसे आपकी धान की, गेहूं की किस्में हैं तो इसमें आपको 5% तक रॉयल्टी पर बिजनेस चलता है, 5% तक। ये 1% हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर कोई संकर किस्म है तो उसमें ये मात्रा जो है 10% तक जा सकती है। हम चूंकि वैरायटी की बात कर रहे हैं तो 48,000 जो रुपये आपको मिला, सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन रेशियो 1:40 का रख रहे हैं, जबकि हमारे सामने इसी मंच से किसान भाई बता करके गए कि किसी को जो है 300 किलो तक मिला, किसी को 150 किलो तक मिला, 1 किलो से इतना मिलता है, हम सिर्फ 40 मान करके चल रहे हैं। तो इससे जो 2% अगर हम रॉयल्टी रखते हैं 48,000 रुपये तो ये बनती है 960 रुपये किलो, यानी कि 1 किलो ब्रीडर सीड अगर आपसे लेते हैं उससे 40 किलो फाउंडेशन बनेगा, उस 40 से 1600 किलो जो है आपका सर्टिफाइड बनेगा और वो 30 रुपये किलो के हिसाब से जो रेट बनेगा 48,000 का उस पर 2% रॉयल्टी अगर हम लगाते हैं तो ये 960 रुपये बनता है। 1 किलो ब्रीडर सीड के ऊपर अगर रॉयल्टी एट सोर्स हम आपसे लें, हम दोबारा आपके देखने नहीं जा रहे हैं कि आपने कितना सर्टिफाइड किया, पैदा कितना बेचा, हम 1:40 प्ले रहे, हो सकता है आपका 1:50 भी हो, 1:60 भी हो, उसको हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ हम 1:40 प्ले ले रहे हैं और उस पे जो रॉयल्टी या सोर्स इस वैरायटी के लिए हमने निर्धारित किया वो सिर्फ 100 रुपये किया है, जबकि होना चाहिए 960 रुपये। अगर 2% लेते हैं, 5% नहीं ले रहे हैं, 2% ले रहे हैं, अगर 1% लेते हैं तो ये 480 रुपये होना चाहिए, अगर 0.5% देते हैं तो 240 रुपये होना चाहिए। अब हम 240 के बदले आपसे सिर्फ 100 रुपये ले रहे हैं और आपको क्या चाहिए, इससे तो कम
कहीं आपको खो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक किस्म के निकालने में वैज्ञानिकों का समय, अनुसंधान, मेहनत, सारी चीजें, इसके बाद तमाम खर्चे, बिजली के, पानी के, सब कुछ लगता है। तो एक तो ये जो भ्रम आपका है कि हम बहुत ज्यादा पैसे आपसे ले रहे हैं, वो मिथ्या है, इसको आप अपने मन से निकालिए। हम लोग एक साथ मिलकर के, आप संस्थान के हैं, हम आपके हैं, और हम दोनों को मिलकर के किसानों की सेवा कर रही है, उसी दृष्टिकोण से हम लोग काम कर रहे हैं। एक बात तो ये मैं आपसे रखना चाहता था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वर्ष जो है अगस्त के महीने में व्हीट वर्कशॉप होगी, और उस वर्कशॉप में जो ब्रीडर सीड वैरायटी का है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एलोकेशन किया जाता है, ठीक है। तो आप जितने 100 से अधिक लोग एमओयू इस वैरायटी का साइन किए हैं, अभी आप में से किसी के पास ब्रीडर सीड इसका नहीं है। पिछली बार जो भी हमने आपको दिया था वो टीएल सीड दिया था, और टीएल सीड सीड प्रोडक्शन साइकिल में सर्टिफिकेशन में नियमानुसार नहीं जा सकता है। तो आपको ब्रीडर सीड लेना है, और आपकी कितनी रिक्वायरमेंट ब्रीडर सीड की है, जो रबी सीजन के 2024-25 में आपको कितना ब्रीडर सीड चाहिए जिससे आप फाउंडेशन बनाएंगे। फाउंडेशन आपका 25-26 में बनेगा, और 25-26 में जो फाउंडेशन का उत्पादन होगा वो आपका सर्टिफाइड बनेगा, जो 2026-27 में आप किसानों को बेच पाएंगे। तो जो आपकी सीड चेन है उसको मेंटेन करने के लिए आप सबसे, हमारा अनुरोध है कि आपकी जितनी आवश्यकता है, हमने ब्रीडर सीड पैदा किया हुआ है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ब्रीडर सीड इस किस्म का है, और जो हमारे लाइसेंसी हैं उनको हम प्राथमिकता के आधार पर देंगे। हम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को भी नहीं देंगे, या किसी और संस्था को जो हमारे साथ एमओयू नहीं की है उसको हम नहीं देंगे, आपको प्राथमिकता पे देंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मई महीने में हमें बता दीजिए, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी उपलब्धता कितनी है, कितनी मांग आती है, उसके हिसाब से हम आपको एलोकेशन करेंगे। जो लोग आपके 150 में से ये सोच रहे हैं कि हमने 1 किलो से 500 किलो बना लिया या 600 किलो बना लिया, हमको IRI से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो वो भी मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं सभी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर सीड सर्टिफिकेशन, सबको मैं चिट्ठी लिखूंगा कि जो हमसे ब्रीडर सीड का टैग नहीं लेकर के गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है नहीं किया जाएगा, तो मार्केट में आप उसके साथ नहीं जा सकते हैं सर्टिफाइड सीड के साथ। तो इतनी ईमानदारी आपसे भी हम सभी से एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। मैं मानता हूं कि आप सभी ईमानदार हैं, कोई इसमें ईमानदारी से हट करके काम करने वाला नहीं है, लेकिन जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको हम आपको उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। अब एक प्रश्न और उठा था कि हमने जो इस वर्ष पैदा कर लिया है, क्योंकि जो 5 किलो बीज आप लेकर के गए थे और आपको शायद मिल गया होगा, किसी की बात क्या करती किसी किस्म के बारे में कि मिल गया है कि उसको आप बीज के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, इसके बारे में क्या रहते हैं एक किसान सर, वो BB 1885 है सर, 1989 है सर। अच्छा, उसकी बात हम अलग से कर लेंगे, अभी पहले इसकी बात करो। तो ये जो है आपसे सबसे हमारा अनुरोध है कि आप जितनी आपकी आवश्यकता है उसको इनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ताकि उतना सीड आपका जो है ब्लॉक कर लिया जाए और आपको उपलब्ध किया जाए और आप उसको सीड चेन में लेकर के आए। ये बहुत जरूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से इस किस्म को जल्दी से जल्दी, क्योंकि किस्म बहुत अच्छी है, जैसा कि सुधीर जी ने बताया 80 क्विंटल पैदावार इनके यहाँ 1 हेक्टेयर में आई है, और लोगों ने भी जो फीडबैक आया है किसानों के यहाँ से 70-75 तो आमतौर पर सबके यहाँ आई है, तो इसका भविष्य वैरायटी का बहुत अच्छा है। और ये हमारे समझ से जो हमारे पहले के रिकॉर्ड हैं, चाहे 2967 का हो, चाहे 3086 का हो, 187 का हो, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ करके ये किस्म आगे निकलेगी, और इसमें आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद इसकी भारी संख्या में आने के लिए। थैंक यू।